हमारे बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि यार हम कंपनी में काम करें या कफील के पास काम करें तो कहाँ ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो, जब आप कंपनी या कफील के पास काम करते हो, जब आप एग्जिट आते हो, तो लाखों रियाल आपके पॉकेट में आ सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। वो भी कैसे, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एग्जिट लगने के बाद आपका जो जेब है पूरा पैसे से भरा हुआ होगा, लेकिन कैसे पॉसिबल है, कौन से कंपनी में जाएंगे तो जहाँ यहाँ में इंड ऑफ बेनिफिट्स, बोनस, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, या फिर आप जब बड़े बड़े कंपनी में काम भी करते हो फिर भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती। जब हम एग्जिट लगाने का टाइम आता है तो हमारे घर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि यार तुम लोग छुट्टी लेके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा तो चले जाओगे, लेकिन एग्जिट लगाने के बाद आप लोग तो फिर दोबारा सऊदी जा नहीं पाओगे, फिर से आपको काम कराना पड़ेगा, बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी घर पे। तो सऊदी गवर्नमेंट या UAE गवर्नमेंट या गल्फ़ हो या अरब की दुनिया हो या फिर किसी भी दुनिया में हो, आप इंडिया से बाहर हो, तो लाखों रियाल, लाखों रुपए इंडिया का करेंसी आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। कैसे, हम आपको बातचीत करेंगे। अगर आप अरब में हो, सऊदी में हो, ये सारी जो नॉलेज मैं अभी आपको देने वाला हूँ ये सेम टू सेम हर कंट्री का सेम है, खासकर मिडिल ईस्ट का, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। लाखों रियाल कमाना है, आपके अकाउंट में बैलेंस में आना है, फटाफट से वीडियो शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। लाखों रियाल आपके बैंक अकाउंट में 100% होना ही होना है, गारंटी के साथ में। हमारे कुछ 4-5 पुराने दोस्त हैं जिनका जो है लगभग 15 साल, 18 साल, 22 साल हो गया कंपनी के अंदर में। देखो, जो कंपनी अच्छी कंपनी होती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हो गया, दुकान में, होटल में, रेस्टोरेंट में, कपड़े का दुकान में, सेल्समैनिंग के दुकान में, स्कूल में, कंपनी में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, आप मैनेजर के पोस्ट पे हो, आप सुपरवाइज़र के पोस्ट पे हो, आप इंजीनियर के पोस्ट पे हो, आप पेंटर्स के सुपरवाइज़र के पोस्ट पे, आप इलेक्ट्रीशियन के इंजीनियर के पोस्ट पे हो, किसी भी बड़े पोस्ट पे हो, तो आपका इंड ऑफ बेनिफिट्स बोलते हैं ना, बोनस के तौर पे हमें कितना रियाल मिलेगा, तो ये आपको बता दूँ। 16 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर एग्जिट लगा रहे तो आपको मालूम होना चाहिए। फटाफट से हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि लाखों रियाल की मैंने बातचीत कर ली तो आप मुझे उल्टा फुल्टा बोलना दो कमेंट के सेक्शन में। तो वीडियो को शेयर करना, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना और लाइक भी कर देना पेज को। आइए जानते हैं फटाफट से, तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने ये देख सकते हैं 16 थिंग्स टू डू बिफोर फाइनल एग्जिट फ्रॉम सऊदी अरबिया। सऊदी अरब से एग्जिट जाने से पहले 16 ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो कहा गया है कि बिफोर रिक्वेस्टिंग योर स्पॉन्सर, अगर आप पहले एग्जिट लगाना चाहते हो तो सबसे पहले फाइनल एग्जिट का मतलब होता है आप कंपनी से रिज़ाइन देकर लाइफ टाइम के लिए घर जा रहे हो, तो सबसे पहले बिफोर फाइनल एग्जिट लगाने से पहले आपको बहुत सारे प्रोसीजर है वो देख लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने जो बॉस है उससे पूछो कि हमारा फाइनल एग्जिट वीज़ा कब इशू कर रहे हैं, वो बता देंगे आपको। दूसरा ये कि आपका जो पेमेंट ऑफ द डिपेंडेंट फी है 60 डेज का, वो डेट के हिसाब से फाइनल एग्जिट इशू करे। इसके बाद आप रेजिग्नेशन लेटर जो है आपका वो नोटिस पीरियड पूरा करें। इसके बाद जितना भी ट्रैफिक वायलेशन आपका आपने किया हुआ है, पेंडिंग वाला, पहले वाला, जितना भी 10 साल हुआ हो, 15 साल हुआ हो, 20 साल हुआ हो आपको, वो पहले आप चेक कीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर कोई फाइन वाइन हो, सीट बेल्ट का हो सकता है, कोरोना का हो सकता है, किसी भी चीज़ ऐसा कोरोना का वैल्यू नहीं है तो वो आप पे कीजिए। अगर आपके नाम की गाड़ी है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि देखो ये सारे काम करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एयरपोर्ट पर आपको रोक दिया जाएगा। आपके नाम पे गाड़ी है तो वो अगर आपने 10-15 साल लगाया है तो गाड़ी तो होनी है। अगर आपका रियल एस्टेट में कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी नाम है तो उसको हटाइए सबसे पहले। इसके बाद फाइनल एग्जिट आपका इशू किया जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फाइनल एग्जिट किया जाएगा, वो भी एफसर अकाउंट से। इसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको, सऊदी अरब से मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ले लीजिएगा। इसके बाद आपको मिलेगा इंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स। ये सारे काम, 7 काम, सबसे पहले डिपेंडेंट फी हो गया, रेजिग्नेशन लेटर का जो नोटिस पीरियड है, फिर आप ट्रैफिक बैलेंस पे कर दिए, फिर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का, कार सेल कर दिए, घर है आपके नाम का कुछ भी तो सेल कर दिए। हालांकि सऊदी में किसी का घर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किसी और देश में भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए। उसके बाद आपको इंड ऑफ सर्विस फाइनल करना चाहिए, बेनिफिट्स लेना चाहिए। ये इंड ऑफ सर्विस जो है आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है,
ठीक है, ये इंड ऑफ सर्विस जो है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है होम कंट्री में। और ध्यान रहे, कभी भी इंड ऑफ सर्विस जो है आप अपने इन सऊदी अरब के बैंक अकाउंट पे कभी भी मत लेना, क्योंकि आपका 10,000 रियाल, 20,000 रियाल, 40,000 रियाल, 50,000 रियाल, अभी मेरे दोस्त को मिलता 27,000 रियाल, तो 27,000 रियाल आप अपने बैंक में रखोगे और ट्रांसफ़र करोगे इंडिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपना इंडिया वाले बैंक अकाउंट नंबर देना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जहाँ के भी हो वहाँ आप अकाउंट देना, वहाँ डायरेक्ट आपके अकाउंट में होम कंट्री में पैसा चला जाएगा। आठवा करना ये है कि इसके बाद आप देख लो, थिंग्स टू डू आफ्टर द फाइनल एग्जिट। इसके बाद है गेट ऑल द डॉक्यूमेंट इशू बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सऊदी अरब। जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका, सारा डॉक्यूमेंट आप कंसल्टेंट की तरफ से अटेस्टेड ले लो। इसके बाद जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट, स्कूल में रहते हो, आपके बच्चे हैं, कोई भी है, तो सारा सर्टिफिकेट वगैरह ले लो। इसके बाद कोई भी पोस्टपेड सिम है आपका, इंटरनेट सिम है, वाईफाई बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई भी तरीके का किसी भी तरह का बिल है, सारा जवाजात से सब कुछ क्लियर करा के कर लो। इसके बाद आपका जो रेंट पे आपने मकान लिया हुआ वो भी आप अगर आप ले लिया है तो कैंसिल करना, वरना कोई बड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पूरा डिसकनेक्ट कर लेना फ़ोन का नंबर, जो भी है आपका कनेक्शन, लैंडलाइन, जो भी इंटरनेट कनेक्शन, सब कटिंग कर लेना। इसके बाद आपको कोई लोन चल रहा हो तो वो भी दे देना। इसके बाद जो आपका सऊदी का बैंक अकाउंट है उसको आप क्लोज कर लेना। इसके बाद आपका नॉर्मल 46 kg जो है कार्गो लगेज होता है वो आप कर सकते हो, सामान भेज सकते हो। इसके बाद अपना जो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस लेटर फ्रॉम एम्बेसी टू कंसुलेट, आप सऊदी में रह रहे थे 10 साल, 15 साल, 20 साल से, जो फैमिली के साथ रहेगा उनके लिए ये होता है, वैसे जो काम करने वाले तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ये सारे मामला हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो सबसे ज़रूरी काम क्या है कि ये गाड़ी सेल कर लेना, ट्रांसफ़र करा देना, घर आपके नाम का है तो वो दे देना। इसके बाद आपका जो वायलेशन किया है अपना, ट्रैफिक वायलेशन, वो क्लियर कर देना। किसी भी जगह पर आपने पैसा लगा रखा है सऊदी के अंदर, वो आप कंप्लीट कर लेना। बैंक अकाउंट आपका बंद हो जाना चाहिए, सारा काम होने के बाद बंद होना चाहिए। और पैसा इंड ऑफ सर्विस, ये यही है इंड ऑफ सर्विस। तो मिलता कितना इंड ऑफ सर्विस, कितना मिलता है इंड ऑफ सर्विस आपको? एग्जाम्पल मान लो कि बोनस के तौर पे हम बात करें, तो जैसे मान लो कि हमारी सैलरी 1200 रियाल है, तो कई बार क्या होता है कि एक साल तक, दो साल तक, तीन साल तक आधी आधी सैलरी दी जाती है। कहीं कहीं पे जितनी हमारी सैलरी है पर ईयर का एक सैलरी मिलता है। जैसे मान लो एक हमने 2 साल काम किया तो हमें 2 सैलरी मिलेगी, 4 साल काम किया तो 4 सैलरी मिलेगी। इस तरीके से इंड ऑफ बेनिफिट्स का भी सिस्टम होता है, इसमें आपका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, लाखों रियाल आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं। तो आपने कभी लिया है इंड ऑफ सर्विस तो कमेंट करके बताना। हालांकि मेरे दोस्त ने लिया है तो उसने कहा, जावेद भाई इस पर एक वीडियो बनाए तो ज़्यादा मामला अच्छा रहता है, क्योंकि मैं जब एग्जिट लगा रहा था तब मेरे को बहुत सारे इशू फेस करने पड़ गए। कौन कौन से, मैंने ना बैंक अकाउंट अपना क्लोज नहीं किया सऊदी का, दूसरा हमारे ऊपर वायलेशन का फाइन था वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था, इसके लिए मेरा इंड ऑफ सर्विस में डिले हो गया। अब इंड ऑफ सर्विस लेने के लिए हमें 2 से 3 से 4 से 5 महीना, 6 महीना वेट भी करना पड़ता है। अगर कंपनी अच्छी है तो आप ले सकते हो। हाउस ड्राइवर में ये सब नहीं आता, डोमेस्टिक वर्कर में ये सब नहीं आता, प्राइवेट सेक्टर और कंपनी वाले ही ये प्रोवाइड करते हैं, वो भी लिमिटेड तौर पर। बहुत शुक्रिया, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।